जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और ईडी कार्यालय के हम बाहर खड़े जीएन भारत की टीम हमेशा मुस्तैद है। ईडी अपडेट अब जो निकल के सामने आ रहा है, हमने आपको कल ही बताया था, ये अपडेट दिया था कि पंकज मिश्रा जो कि सीएम सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है, वो कई अहम खुलासे किए जा रहे हैं। काफ़ी उनके जो खुलासे हैं कहीं ना कहीं ईडी को अपना कार्रवाई को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। जी हाँ, हमने आपको ये भी बताया था कि 6 दिन का रिमांड और बढ़ा दिया गया है और ये रिमांड बढ़ाने के पीछे यही वजह थी कि ईडी जो है उनकी किसी भी बात से संतुष्ट नहीं थी और ईडी को लग रहा था कि हमने जो जांच किया है वो कम है। हमने आपको ये भी बताया था कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और डेटा सब लेकर बैठे हुए ईडी के पास सबूत की कोई कमी नहीं है, लेकिन ईडी इस बार सोच के रखी है कि हमें पूरा तह तक जाना है। और हमने ये भी बताया था कि ऋषिकेश पांडे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, हम पहले ही से पता था कि जब ऋषिकेश पांडे आएंगे तो ये जो मामला है, ये जीएन भारत की टीम ने आपको सबसे पहले ये बात बताया था कि ऋषिकेश पांडे आएंगे। कोई भी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हर मामला को उन्होंने 100% खत्म किया है। जिस तरीके से आज की जो कार्रवाई है जो हम आपको अपडेट देने वाले, इससे आपको ये बात और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि ऋषिकेश पांडे अपने जो भी हाथ में लेते हैं जो भी प्रोजेक्ट का, उसको 100% कंप्लीट करके दम लेते हैं। आपको बता दूं चले, ईडी जो है वो साहिबगंज में 2 टीम ईडी की पहुंच चुकी है। कल हमने आपको 1 टीम बताया था, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो 2 टीम वहां पर है और सारी टीम जो पत्थर खदान है उसके अंदर तक जा रही है। जी हाँ, पहाड़ इतना मुश्किल है, चढ़ना मुश्किल, वहां पे गाड़ी ले जाना मुश्किल है, तो ईडी की जो टीम है वो पैदल ही यात्रा कर रही है, पैदल ही चल रही है बिल्कुल। और इसके बाद खदान को, एक ही खदान को, टिंकू भगत हो गए, राजेश जसवाल हो गए, अभिषेक प्रसाद है, अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू जो कि हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार है, उनके खदान भी तक भी ईडी पहुंच चुकी है। तो एक एक जो जैसे राजेश जसवाल हो गए, टिंकू भगत हो गए, एक एक इंसान जो है, एक एक संदिग्ध है, उन सब के खदान पर पर्सनली जा रही है ईडी की टीम। नहीं चल पा रही है, पैदल जा रही है और वहां जाकर देख रही है क्या कुछ है। आपको बता दें, कोई भी खदान इतना दुर्गम एरिया में है कि वहां तक जाना मुश्किल है। ईडी की टीम जो है वो ड्रोन से उस पर नजर रख रही है, ड्रोन से जो तस्वीरें ली जा रही है उसके बाद ये सारे खदानों की मापी की जाएगी। आपको बता दें, इतनी सुंदर पहाड़ को खदान ये खनन करते करते, आपको बता दें, धुआं से मानो साहिबगंज, अब साहिबगंज नहीं है बल्कि ऐसा लग रहा है मानो 10-12 साहिब जो है उन्होंने इस साहिबगंज को अपने हाथ में ले रखा है। इतना खूबसूरत हरियाली, वो साहिबगंज वो है जहाँ से बिरसा मुंडा और जो सिद्धू कानू थे उन्होंने अपने जन आंदोलन शुरू किए थे, हरियाली थी। लेकिन आज वही खदान जहाँ से अभिषेक प्रसाद और टिंकू भगत जैसे, राजेश जसवाल जैसे लोग जो अवैध पत्थर खनन कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा बंजर हो चुका है और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत भयावह स्थिति है। और अब जो खबरें और निकल के सामने आ रही है कि अभिषेक प्रसाद का जो अवैध खनन एरिया है वहाँ पे अभी खनन स्टार्ट हुआ नहीं है और अभी कुछ दिन में स्टार्ट होना था, अभी साफ सफाई का काम जारी है, लेकिन कुछ दिन में होना था। इससे पहले ईडी जो है वहाँ पहुँच गई है और अब खनन होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि सारे जो खनन है उनको सील कर दिया गया है। ईडी उस पर जाँच पड़ताल कर रही है और ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि पंकज मिश्रा, आपको बता दें, पंकज मिश्रा से जैसे और खुलासे होते जा रहे हैं, जैसे पूछताछ हो रही है, ईडी की टीम और ज़्यादा अपनी जो गतिविधि है, अपनी जाँच जो है वो और ज़्यादा तेज कर रही है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1 टीम केवल गई थी साहिबगंज में, लेकिन अब कल जो है वो दूसरी टीम पहुंच गई। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। अब जो है पर्सनली जिस तरीके से ईडी की टीम खदान में जा रही है, वहां देख रही है, रेगी कर रही है, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सबसे ज्यादा अहम बात यहां पे ये है कि 6 दिन बाद जब रिमांड खत्म होगा, क्या रिमांड को बढ़ाया जाएगा, पंकज मिश्रा के साथ क्या होता है। और सबसे अहम बात, यही ईडी का कार्यालय है जहां पे 1 तारीख को अभिषेक प्रसाद आएंगे और पिंटू जो कि सीएम सोरेन के प्रेस प्रतिनिधि है, ये अपने आप में 1 तारीख देखने वाला होगा कि उस दिन क्या होगा, क्योंकि पंकज मिश्रा का 8 घंटे बाद गिरफ्तारी हो गई थी। अभिषेक प्रसाद के साथ और पिंटू के साथ क्या होगा, देखना वाकई में दिलचस्प होगा। जीएन भारत में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।